हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। एकदम बेस्ट रिजल्ट के लिए आप दशहरी आम लीजिएगा दोस्तों। इसमें कम रेशे होते हैं और यह मीठा भी होता है, इससे कुल्फ़ी सॉफ्ट जमती है। ऊपर से ऐसे हम कट कर लेंगे और काटने के बाद इसकी टोपी निकाल लेना है। इसे रखना है या बाद में काम आएगी। अब चाकू से आसपास ऐसे कट मारना है हल्के हाथों से। अब हमें पकड़ से कुचली को पकड़कर इसे हल्के हाथों से घुमाकर निकाल लेना है। अब गुठली में लगा हुआ आम का हिस्सा निकालकर आम के अंदर डाल देंगे। अब ऊपर से टोपी लगाकर छोटे ग्लास या कप में रखकर फ्रीजर में रख देना है। तब तक हम रबड़ी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 500 ml दूध लिया है। इसमें हमने 1 कप मावा डाला है। मावा अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसे लगातार चलाते हुए रबड़ी बनाना है। आप चाहें तो दूध या मिल्क पाउडर से भी रबड़ी बना सकते हैं। अगर आप मिल्क पाउडर से बना रहे हैं तो दूध गुनगुना गर्म करके थोड़ा सा दूध कटोरी में लेकर उसमें मिल्क पाउडर अच्छी तरह मिलाकर बचे हुए दूध में डालकर रबड़ी बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट दूध में मिल्क पाउडर डालेंगे तो उसमें गुठली पड़ जाएगी। जब यह गाढ़ा और दानेदार हो जाए तब हम इसमें 1 कप शक्कर डालेंगे। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रबड़ी जैसी हो जाए तब गैस बंद करके हमें रबड़ी को ठंडा कर लेना है। रबड़ी ठंडी होने के बाद फ्रीजर से आम निकालना है। अब आम की टोपी हटाकर इसके अंदर चम्मच से रबड़ी भर देना है। आप इसे ऊपर तक ना भरें। अब टोपी लगाकर आम को फ्रीजर में 8 से 12 घंटे तक फुल सेटिंग पर रख देना है। 10 घंटे बाद आम पूरी तरह से जम गए हैं। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। इसकी 1-1 सेंटीमीटर की स्लाइसेस काट लेंगे। अब हमारी मैंगो कुल्फी बनकर तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे। मैंने इसकी गार्निशिंग पिस्ता से की है। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें ताकि ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।